चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज की क्लास में साइंटिफिक मैनेजमेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय द हेनरी फ्योर। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट और उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, F.W. टेलर के नाम से आप इनको बहुत ज्यादा जानते हो। ये बहुत बड़े प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जितने भी आए हैं, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आया उनका इनको फादर कहा जाता है। सो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये याद रखना क्योंकि ये MCQ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जो इनका बर्थ है वो 1856 में USA में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1878 में इन्होंने मेजुअल स्टील कंपनी ज्वाइन की थी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। प्राइमरीली इनका जो सबसे बड़ा फोकस था ना वो इस चीज के ऊपर था। देखो, हेनरी फ्योर का फोकस ये था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ना उनका बेसिक ये था कि हम लोगों ने जितने भी अपने ऑपरेशंस करने हैं उनके लिए साइंस की हेल्प ली जाए, टारगेट्स और स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। मतलब एक मेजर होना चाहिए, एक बेंचमार्क होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारी की सारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाए। तो साइंस का यूज करना मैनेजमेंट की टेक्निक्स में या चीजों को मैनेज करने में, दैट इज नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो मेन फोकस इनका इसी चीज के ऊपर था कि वर्कर्स और रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रहे। What is scientific management? It refers to the use of the scientific, systematic, objective and logical principles and techniques to the various managerial functions. Scientific management का जो main focus था ना वो यही था कि हम लोगों ने किस तरह से scientific way से एक system से objectivity को opt करके standard जो है वो set करना है और उस standard के against हमने अपनी performance को measure करना है। और इसमें एक focus था, there is only one best way to do a thing. किसी भी चीज को करने के लिए एक तरीका उसका best होता है। उस बेस्ट तरीके को फाइंड आउट करना और ऑप्ट करना अपनी प्रोसेस में, अपने ऑपरेशंस में। नेक्स्ट इज F.W. टेलर जो है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने अपने वर्ड्स में किस तरह से डिफाइन किया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या रहती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू, आप क्या चाहते हो कि इंसान क्या करे, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, और उसको बहुत ही सस्ते वे में और बहुत ही बेस्ट वे में उसको कंप्लीट करें। ये F.W. टेलर का जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में रोल है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स रह रहे हैं। द वेरी फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकेंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स। अब एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में कहा क्या कहा गया था। रूल ऑफ थंब का मतलब बेटा ये रहता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड कहता है किसी भी चीज को करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड को हमने फॉलो नहीं करना। हमारा जो रूल रहेगा वो ये रहेगा कि हम साइंटिफिक वे से फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से ऑपरेशन को बेस्ट वे में कंडक्ट किया जा सकता है, टास्क को बेस्ट वे में कंप्लीट किया जा सकता है, रिसोर्सेज को बेस्ट वे में हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो उसका कर सकते हैं। तो हमने इस हिट एंड ट्रायल मेथड को रिप्लेस करना है किसी साइंटिफिक सिस्टम से। तो उनका फोकस जो था वो यही था कि देयर एग्जिस्ट ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट। और बेटा इसके साथ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट काउंट होती है, दैट इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, या कम से कम कोशिश रहे कि वेस्टेज जो है वो रिसोर्सेज की ना रहे। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स मिलके एफिशिएंसी का मीनिंग जो है वो डिफाइन करते हैं। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में कहा गया था कि हम लोगों को साइंटिफिक मेथड चूज करना है, एक सिस्टमैटिक वे में एक्सपेरिमेंट करके, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड पे हम लोगों ने वर्क नहीं करना। जो एक बेस्ट वे है किसी भी टास्क को करने का उसको फाइंड आउट करना। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी एंड द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स एंड दे शुड वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब यहाँ पे ये चीज रहती है, देखो हमें पता है कि मैनेजमेंट का जो ग्रुप है ना
वो अलग से काम करता है, होता तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, बट मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज में आपको यूजुअली देखा अपने कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट का मोस्टली जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो ये रहता है कि एम्प्लॉयज आर गेटिंग फ्री सैलरी, दे आर नॉट डूइंग बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, और एम्प्लॉयज को ये रहता है कि वी आर वर्किंग मोर एंड वी आर नॉट गेटिंग ऑप्टिमम पे फॉर दैट। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यूज है इन दोनों के बीच में रहते हैं। इस चीज को किस तरह से हमने सॉर्ट आउट करना है, किस तरह से फिनिश करना है, किस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करना है, उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज किया गया था मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि रिकंसिलिएशन जो है वो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में रहे। वर्कर्स को हो कि मैनेजमेंट इज वर्किंग फॉर द गुड ऑफ अस एंड मैनेजमेंट मस्ट नो दैट वर्कर्स इज ऑल्सो गिविंग द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी। तो हार्मनी की बात की गई है कि हार्मनी से वो काम करें, कंफ्लिक्ट से वो काम ना करें। आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताती हूँ, जापान एज अ कंट्री, यहाँ पे क्या रहता है, अगर वर्कर स्ट्राइक पे जाते हैं ना तो वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और ना ही फर्म का टाइम वेस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, ब्लैक बैजेस वेयर कर लेता है, जिसका मतलब ये रहता है दैट दे आर ऑन द स्ट्राइक, बट वो काम नहीं रोकते, स्टिल दे वर्क, वो काम करते हैं, इनफैक्ट ओवर टाइम करते हैं, नॉर्मल आवर्स से ज्यादा देर के लिए काम करते हैं, टू एक्सप्रेस देयर एंगर कि मैनेजमेंट जो है वो उनके साथ सिंपथी करे दैट यस एम्प्लॉइज आर डूइंग गुड फॉर अस। तो यही सिनेरियो रहता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ये कहता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वर्कर्स और मैनेजमेंट में रहनी चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाए, और उसके लिए मेंटल रेवोल्यूशन जो है वो कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया है, जिसमें रहता पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन रहे वर्कर्स का मैनेजमेंट को लेके और मैनेजमेंट का वर्कर्स को लेके। नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए। मैनेजमेंट सिर्फ अपने ऊपर फोकस ना करे, वर्कर्स सिर्फ अपने ऊपर फोकस ना करे, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म जो है वो खत्म करके ग्रुपिज्म आना चाहिए। ग्रुपिज्म कह लो कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, मतलब जो मैनेजमेंट और वर्कर्स है वो सब इकट्ठे मिलके काम करें एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैनेजमेंट को किस चीज के ऊपर फोकस करना है, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस के ऊपर। अब देखो कोऑपरेशन किस तरह से बिल्डअप होगा उसकी बात करते हैं। अगर मैनेजमेंट अपनी डिसीजन मेकिंग में यूज कर रही है एम्प्लॉइज की सजेशंस को, इनवाइट कर रही है एम्प्लॉइज की सजेशंस को, मीटिंग में उनको आने का जो है वो राइट मिल रहा है, पार्टिसिपेशन उनकी इंश्योर की जा रही है, और उनकी मीनिंगफुल सजेशंस को एक्चुअल लेवल पे इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है एंड दे आर गेटिंग क्रेडिट फॉर दैट। सो इसका मतलब ये है मैनेजमेंट इज अर्निंग द ट्रस्ट और बिलीफ ऑफ द एम्प्लॉइज इन देमसेल्व्स, ठीक है। दूसरी तरफ वर्कर्स को कंपनी के रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, डिसऑनेस्टी बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए, और जितना उनको काम आता है अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो बेस्ट अपना दे उसको फॉर्म, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनमें फिर कॉपरेशन आएगा, मतलब एक तरह का कम्युनिकेशन गैप भी जो है वो खत्म रहना चाहिए, और एक ये भी होना चाहिए कि मैनेजमेंट वर्कर्स को इनकरेज करे और वर्कर इन रिटर्न मैनेजमेंट को अच्छा रिटर्न भी दे बाय द एफिशिएंट वर्किंग। So, इसके लिए जो हम स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ऑप्ट करते हैं ना, दैट इज पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल स्टेट्स दैट देयर इज फुल कोऑपरेशन फ्रॉम मैनेजमेंट टू एम्प्लॉइज एंड फ्रॉम एम्प्लॉइज टू मैनेजमेंट इन अ वे दैट मैनेजमेंट लिसन्स टू द मीनिंगफुल सजेशन ऑफ द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज इन रिटर्न गिव देयर बेस्ट ऑफ एबिलिटी टू द मैनेजमेंट। तो ये चीज रहती है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में, जिसमें एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो किया जाता है और हम लोग अपने डेली ऑपरेशंस में वर्कर्स का एक मीनिंगफुल पोर्शन रखते हैं, पार्ट रखते हैं, उनके इनिशिएटिव्स को हम लोग क्रेडिट देते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं, तभी जो है वो कोऑपरेशन मिल पाता है, अदरवाइज नहीं मिल पाता। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। हर एक पर्सन की डेवलपमेंट करनी है, किस चीज के लिए डेवलपमेंट करनी है, कि वो अपना बेस्ट दे। मैंने आपको पहले भी बताया कि एफिशिएंसी वर्ड का मतलब क्या रहता है, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट। मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम ऑफ आउटपुट। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ द सिलेक्शन। अब साइंटिफिक सिस्टम ऑफ सिलेक्शन की क्या बात है, देखो सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको एक बेस्ट एम्प्लॉई रिटेन करना,
सॉरी एम्प्लॉय करना है, बेस्ट एम्प्लॉय आपको एम्प्लॉय करना है, अपने पास हायर करना है। पहली बात उसकी स्किल्स चेक कर ली जाए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चेक करी जाए, टैलेंट्स उनके चेक करे जाए, एक्सपीरियंस उनका चेक करा जाए, ठीक है। क्वालिफिकेशन स्किल्स टैलेंट्स एज वेल एज एक्सपीरियंस, अगर उनका वो जॉब की रिक्वायरमेंट से मैच करता तो ही उनको सिलेक्ट किया जाए, अदरवाइज नॉट। जॉब की रिक्वायरमेंट से मैच करना बहुत जरूरी है, किसका, एम्प्लॉइज के ट्रेड्स का, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बना के रखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन बेटा वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपने पूरी जॉब के बारे में बताया, दैट दिस इज द जॉब, ये उसकी रोल्स रहेंगे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, एम्प्लॉइज की क्वालिफिकेशन इतनी रहनी चाहिए, स्किल सेट ये वाला होना चाहिए, उनके बीच उनका जो एक्सपीरियंस है वो इतना रिक्वायर्ड है। उसके बाद में बात आती है जॉब स्पेसिफिकेशन, पर्टिकुलरली आपको उस रैंक के ऊपर क्या क्या काम करना पड़ेगा और उसके लिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो आ जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन। सो कहते हैं इस तरह से एक साइंटिफिक सिस्टम इंस्टॉल करो और उसी साइंटिफिक सिस्टम के बेस पे आप लोग वर्कर्स को सिलेक्ट करो, ठीक है। और जब भी आपने उनको जॉब असाइन करनी है, जब भी आपने उनको उनकी ड्यूटीज असाइन करनी है, तो मेक श्योर दैट देयर फिजिकल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज एंड द इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज आर सूटेबल टू देयर जॉब। जो वो काम करने जा रहे हैं उसके लिए उनके पास फिजिकल एबिलिटी भी है, मेंटल एबिलिटी भी है और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी भी है, तभी हम लोग एफिशिएंसी वर्कर्स की इंक्रीज कर पाएंगे। अगर आपने किसी वर्कर को ऐसा काम दिया जो उसका बैकग्राउंड ही नहीं है, मतलब जिसके बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है या जो उसका फील्ड ही नहीं है, तो वो किस तरह से कर पाएगा, वो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। तो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्लॉइज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही उनको काम मिलना चाहिए। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना जरूरी है। और जो ट्रेनिंग है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब, किस तरह की जॉब है, किस तरह से उनको इजीली समझ में आएगा और किस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी आउटपुट की उनसे, उसी तरह से हम लोगों को ट्रेनिंग मेथड्स जो है वो इम्प्लॉय करने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम लोग करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बाय प्रोफेशन एफ डब्ल्यू टेलर वॉज अ, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि 1878 में इन्होंने मेडवल स्टील कंपनी ज्वाइन कर ली थी, 1878 में मेडवल स्टील कंपनी ज्वाइन की थी एफ डब्ल्यू टेलर ने, और वो मैकेनिकल इंजीनियर का काम करते थे वहां पे। नेक्स्ट इज रूल ऑफ थंब रेफर्स, रूल ऑफ थंब रेफर्स टू हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। ये एक तरह का हिट एंड ट्रायल मेथड है कि ठीक है इस तरह से काम कर लिया, अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई और तरीका अपना लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कहते हैं ये है कि यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग द मैनेजमेंट इश्यूज, ऐसा नहीं होता कि पर्सनल जजमेंट यूज करो, नो। स्किल्स मैटर करती हैं, एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्वालिफिकेशंस मैटर करती हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल जजमेंट काम आती है। अडॉप्टिंग द हिट एंड ट्रायल अप्रोच टू रिजॉल्व द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स बोथ ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ द अबव। अब क्योंकि हम पर्सनल जजमेंट को यूज नहीं करते मैनेजमेंट इश्यूज के लिए, और वैसे भी बात उसने ना सिर्फ और सिर्फ इश्यूज की है, ऑपरेशंस को भी मैनेज करने के लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हिट एंड ट्रायल अप्रोच जो है वो तो रूल ऑफ थंब रहता ही रहता है, ठीक है। तो रूल ऑफ थंब इज हिट एंड ट्रायल अप्रोच, तो सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू द एफ डब्ल्यू टेलर इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग फिगर्स ऑफ आयरन इन टू बॉक्सेस कैन बी साइंटिफिकली प्लान एंड मैनेज, this can result in tremendous savings of the human energy as well as wastage of the times and materials, identify the related principle। ab dekho wo keh raha hai small production activity, ek production activity hai loading figures of iron into boxes, humne iron figures jo hai unko boxes mein load karna hai aur wo ye sari jo hamara process hai wo scientifically planned hai। तो अल्टीमेटली ना तो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, ना मटेरियल्स वेस्ट हो रहे हैं, और ह्यूमन एनर्जी भी सेव हो रही है। तो कहते हैं ये कौन सा प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू गेट द हायर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और नॉन ऑफ द अबव। देखो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड बात करता है कि एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी से काम हो, कॉपरेशन से काम हो, उनमें कंफ्लिक्ट ना रहे, तो यहाँ पे तो कहीं भी कंफ्लिक्ट्स की बात नहीं है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ये कहता है कि हिट एंड ट्रायल अप्रोच यूज नहीं करनी, तो यहाँ पे भी हिट एंड ट्रायल की बात नहीं। डेवलपमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी की भी बात नहीं हो रही। सो राइट आंसर इज नॉन ऑफ द अबव,
इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। The next is, according to this principle of scientific management has for its foundation the firm conviction that true interest of management and workers are one and the same. The prosperity for the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by prosperity of employees and vice versa. अच्छा, इस लाइन से हमें समझ में आ रहा है कि वो एम्प्लॉयर की भी बात कर रहा है, एम्प्लॉयज की भी बात कर रहा है, बट उसने ये कहा है कि एम्प्लॉयज की अगर प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी तो एम्प्लॉयर भी ज्यादा देर काम नहीं कर पाएगा। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब अगेन हिट एंड ट्रायल के बारे में बताता है, ये तो हो ही नहीं सकता। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनियस रिलेशन उनके रहे, ये यहाँ पे ये मैच नहीं करता। कॉपरेशन मैच करता कि इंडिविजुअलिज्म से ना चला जाए, कॉपरेशन से चला जाए, क्योंकि उसने कहा है कि अकेला एम्प्लॉयर अगर अपनी प्रॉस्पेरिटी पे फोकस करेगा तो वो कहीं पे मतलब लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको साथ साथ एम्प्लॉयज को देखना पड़ेगा। सो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट द एम्प्लॉयज शुड बी रिवॉर्डेड फॉर द सजेशंस व्हिच रिजल्ट्स इन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द पोस्ट। मतलब उनके सजेशंस के लिए उनको रिवॉर्ड करो और अल्टीमेटली जो है उसका रिजल्ट हमारे पास ये रहे कि हमारे जो ऑपरेशंस है वो इफेक्टिव वे में हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो उन लोगों ने बात की थी ना कि अगर ये हमारे को अपनी सजेशंस देंगे तो फिर हिट एंड ट्रायल से काम नहीं होगा, फिर ये होगा कि आपके पास साइंटिफिक मैथड आ जाएगा प्रॉपर उस चीज को करने का। तो अगर आपके पास प्रॉपर उस चीज को करने का साइंटिफिक मैथड आ गया तो योर ऑप्शन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द टेलर ईच स्पेशलिस्ट इज टू बी असाइंड वर्क according to his or her qualities. The employees who possess the technical mastery should be involved in the planning work, whereas those with the energy and good health may be assigned execution work. Name the related principle of the scientific management. बेटा ये हम लोगों ने ना कॉन्सेप्ट जो है that is functional foremanship, मैं आपको बता देती हूँ functional foremanship क्या है, डिटेल में हमने next lecture में study करना है। Functional foremanship ये कहती है कि एक planning department रखो, एक production department रखो। जो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जिनकी स्किल्स हैं उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम दो, जिनकी प्लानिंग के रिगार्डिंग स्किल्स हैं उनको प्लानिंग का काम दो। यानी टेक्निकल स्किल्स वालों को प्रोडक्शन में ऑप्ट करो, मेंटल स्किल्स वालों को प्लानिंग में ऑप्ट करो। द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन में पढ़ा। वन बेस्ट वे टू डू द जॉब, वन बेस्ट वे टू डू द जॉब इज द गाइडिंग प्रिंसिपल। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, D option is the right answer. I hope आपको principle scientific management के समझ आ गए होंगे। Next lecture में हम लोग techniques discuss करेंगे। See you soon in the next lecture. Thank you.